यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल, एक की हालात गंभीर। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि दुर्घटना गोंडा जिले के गोंडा लखनऊ रोड के गोल्डन फेरी की घटना बताई जा रही है। बोलेरो और ट्रक की टक्कर में बोलेरो में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे लखनऊ सहारा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिंगा क्षेत्र अंतर्गत बरातबारी निवासी धर्मराज वर्मा की बोलेरो गाड़ी लेकर बलरामपुर निवासी जन टीवी के पत्रकार पवन तिवारी अपने परिवार के साथ लखनऊ गए हुए थे। लखनऊ से वापस आते समय गोंडा लखनऊ रोड पर ट्रक और बोलेरो में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बोलेरो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गनीमत यही रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे गोंडा निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, जिसे लखनऊ सहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि बोलेरो और अज्ञात ट्रक की जोरदार टक्कर में बोलेरो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे सबसे पहले। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें और पेज को लाइक करें। चैनल और फेसबुक पेज से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।